हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार, आप लोगों ने इस चैनल पे ऐसे बहुत सारी मूवीज के रिव्यूज देखे होंगे जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही गजब की चली और वाकई में वो मूवी डिजर्व भी करती है। आप लोगों ने कुछ ऐसी मूवी के बारे में नहीं सुना होगा जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है, लेकिन फिर भी मैं उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। ये मूवी है रैम्पेंट, जिसका मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, जो की एक कोरियन पीरियड एक्शन जॉम्बी फिल्म है। मूवी की ओवर लेंथ 2 घंटे की, और ये आपको कोरियन लैंग्वेज विद इंग्लिश सबटाइटल्स देखने को मिल जाएगा। ज्यादा सर्च करोगे तो शायद ये आपको इंग्लिश में भी मिले, बट मुझे नहीं मिला। आपको ये फ्री में कहाँ देखने मिली वो भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान बताऊंगा, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो इस मूवी की कहानी फोकस करती है जेशुआन डायनेस्टी में, जहां पर हमें नजर आते हैं प्रिंस ली जान, जो कि एक बहुत ही क्रूर राजा है। इतने हरामी राजा है कि इसको अपने दोनों बेटों पर भी भरोसा नहीं, स्पेशली जो इसका बड़ा बेटा जो इसके साथ रहता है क्राउन प्रिंस ली, इस पर भी इसको जरा भी भरोसा नहीं है। लेकिन किंग ली जान अपने वॉर मिनिस्टर किम जांजू की बात बहुत अच्छी तरह से मानता है। किम जांजू जो बोलेगा किंग ली जान वो ही करता है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट अब आता है जब किंग ली जान का बड़ा बेटा क्राउन प्रिंस ली एक यूरोपियन शिप में जाता है अपने सोल्जर्स को लेकर। अब वो वहां पर आर्क्यूबुसेस यानी कि लॉन्ग गन लेने जा रहा होता है। अब वहां पर जाने के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, कैसे जॉम्बी का अटैक होता है, कैसे जॉम्बी ये प्लेग फैलता है, ये सब कुछ जानने के लिए तो भाई आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। देखिए, ये मूवी साउथ कोरिया में फ्लॉप होने का एक रीजन हो सकता है कि कोरियन इंडस्ट्री में जॉम्बी पर बहुत सारी मूवीज बनती है और वहां की जो ऑडियंस है उनकी एक्सपेक्टेशन भी हमेशा हायर 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 होती रहती है। तो जब इस तरह की वो लोग मूवी देखते हैं तो मे बी उनको शायद वो अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये मूवी स्टार्ट टू एंड गजब की एंटरटेनिंग है। मुझे एटलीस्ट बहुत एंटरटेनिंग लगी। हालांकि इसके बाद हमने अगर कोरियन सीरीज किंगडम देखी है तो कहीं ना कहीं मोर और लेस ये सिमिलर लगती है, मतलब प्लॉट वाइज सिमिलर नहीं लगती, लेकिन जिस तरह से जॉम्बीज बताए या जॉम्बीज जिस तरह से अटैक करते हैं वो काफी हद तक आपको सिमिलर लगता है, और जॉम्बीज की क्या वीकनेस है वो भी आपको सिमिलर लगती है। लेकिन फिर भी जब आप लोग इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो मजा आता है यार, मतलब बोर नहीं होता है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करते हो, यहाँ पर ज्यादा कैरेक्टर्स तो है नहीं, लेकिन जितने भी उनको बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। कुछ ऐसे क्रूर है जिसको देखकर आपको गुस्सा आता है, लेकिन कुछ ऐसे लॉयल कैरेक्टर्स भी जिनको देखकर आपको प्यार आता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार इंसानियत अभी भी है, जो बिना किसी लालच के बिना किसी मकसद के अपनी जान को भी कुर्बान करते हैं। तो मतलब कैरेक्टराइजेशन बहुत अच्छे है। लेकिन फिर वही है कि जो इस मूवी का जो बेस प्लॉट है वो यही कि एक राजा है जो बहुत ही क्रूर है और उसका सलाहकार है जो बहुत ही हरामी, वो चाहता है कि वो कुर्सी पर बैठे। तो ये उसका बेस प्लॉट है जो कि काफी प्रेडिक्टेबल है, और ऑलमोस्ट ऐसी बहुत सारी पीरियडिक मूवीज है जिसका प्लॉट यही होता है। और अगर आप लोग हिस्ट्री खंगालोगे तो हिस्ट्री में भी यही हुआ है कि एक राजा है जो शासन कर रहा है, लेकिन उस राजा को मारने वाला उसी की प्रजा के अंदर का है। ये कोई बड़ी बात नहीं। और अगर इस वजह से ये मूवी लोगों को फ्लॉप लगती है तो मुझे लगता है कि उनको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। मूवी का एग्जीक्यूशन बहुत ही बढ़िया, और द वे दे हैव प्रेजेंटेड ज़ॉम्बीज, जो उनके मेकअप और जो सिचुएशन यहाँ पर बताइए गजब की लगती है। सिचुएशन से याद आया, सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो हर एक सीन को बहुत अच्छी तरह से शूट किया है। और भाई जितने भी वो बैटल सीन है, मैं बैटल सीन बोलूंगा क्योंकि ज़ॉम्बी और ह्यूमंस उनके बीच में जो भिड़ंत बताइए, क्या शूट किया। और ये वो जमाना था जहां पर गन से ज्यादा तलवार यूज करते थे, अब यहाँ पर जिस तरह शॉर्ट का यूज किया वो ज़ॉम्बीज को काटे, और क्या कोरियोग्राफी करते हो लोग एक्शन सीन्स की, और वो चीज देखकर मूवी में मजा आ जाता है। बीजीएम अच्छा है, एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो हर एक एक्टर ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया है। और हाँ, सेट डिजाइन बोलना भूल गया यार, मतलब वो जो एक पीरियडिक एरा वो लोग जब मूवी में क्रिएट करते कोरियन इंडस्ट्री वाले, तो आपको एक सेकंड के भी लगता नहीं कि हम लोग इस सदी में रह रहे, हमको भी लगता था कि हम लोग उसी एरा में पहुंच गए। और ये चीज कोरियन इंडस्ट्री की मैं तारीफ करना चाहूंगा, और सालों ने किंगडम शो में भी ये चीज की है, और जो अभी एक लेटेस्ट आई थी एशियन ऑफ द नॉर्थ उसमें भी सिनेमेटोग्राफी और उस एरा को लोगों ने क्या रिक्रिएट किया। मुझे कोरियन इंडस्ट्री की ये चीज बहुत अच्छी लगती है यार। और पैरेंटल गाइडेंस के लिए बात करेंगे तो यार ये मूवी आप अपनी फैमिली साथ बैठ के देख सकते हो, अश्लील कुछ भी नहीं है, बस जो भी है वो वायलेंस की वो ज़ॉम्बी है और वो खून खराबा तो हो गई, तो वो चीज आप लोग अवॉइड कर लेना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को 7 out of 10 दूंगा। ये आपको फ्री में मिलेगी, मूवी फ्लिक्स पर यहाँ नाम लिखो उस पर जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो, बहुत ही इजी वे में डाउनलोड कर सकते हैं। और ज्यादा आरएनडी करोगे तो शायद ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने मिल जाए, और अगर उससे भी ज्यादा अगर आरएनडी करोगे और अगर ऐसा पॉसिबल है, मुझे नहीं पता मैंने सर्च नहीं किया, तो शायद ही आपको हिंदी में भी देखने मिल जाए। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल दे मचाते रहो।